योद्धा फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। योद्धा का मतलब होता है वॉरियर, और यहाँ में योद्धा मिशन है, और सागर आमरे और पुष्कर ओझा ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट रिनाउंड डायरेक्टर्स, पर उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एक हाईलाइट है, बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी है भाई जिष्णु भट्टाचार्य जी, जो भी ऑन फ्लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे से शूट किए गए हर एंगल से, और एडिटिंग बिल्कुल शार्प है, कोई रैंडम सीन नहीं है। तो इसके एडिटर हैं शिव कुमार पेनिकर, उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। म्यूज़िक बहुत ही लाजवाब है, तिरंगा एक गाना है जो गूसबम्स देगा, और एक और गाना है किस्मत बदलती देखिए, और तनिष बागची, आदित्य देव, प्राक और विशाल मिश्रा जैसे कंपोजर्स हैं। तो म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है जॉन अजूरी का। देखिए उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा उनकी दिशा पटानी के साथ केमिस्ट्री, दिशा पटानी का भी बहुत अच्छा रोल है उसमें, बहुत ग्रे शेड्स हैं और वो सरप्राइज एलिमेंट है। उसके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा तो छा गए, मतलब वो शेरशाह मूवी के बाद ये मूवी में इतनी इम्पैक्टफुल है, और क्रिटिक्स रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी चलनी चाहिए। और म्यूज़िक अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, और सबकी परफॉर्मेंसेस स्टेलर है बिल्कुल। 2.25 घंटे की मूवी है, यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम, बहुत ही लाजवाब मूवी है। वही कि ये यू नो मैं रहूँ ना रहूँ मेरा देश हमेशा रहेगा, ये ऐसे गूसबम्स देने वाले डायलॉग्स हैं, और यही दिखाया गया है कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का एंगल हमेशा आता है, बट यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट है मूवी में, और वो ट्विस्ट देख के आपको बहुत इन्जॉय करेंगे, आप बहुत एंटरटेनिंग है। फर्स्ट हाफ तो अच्छा, सेकेंड हाफ इट गोज़ टू अनदर लेवल, सेकेंड हाफ इज वेरी इंटरटेनिंग, क्लाइमैक्स इज वर्थ वॉचिंग। मैं दूंगा 4 स्टार्स, देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा को 5/5। ऑडियंस को बोलेंगे कि आप साउथ इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करते हैं, आप हॉलीवुड को सपोर्ट करें, गो एंड सपोर्ट बॉलीवुड। हर मूवी बिग बजट नहीं होती, जवान, पठान और गदर 2 की तरह या ओ माई गॉड 2 की तरह, स्मॉल बजट मूवीज़ को भी कीजिए, और ये धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है, तो इसको भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और जाके बॉलीवुड को बचाइए। थैंक यू सर। एक्टिंग भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छा है। आओ देखो मूवी अच्छी है, बस 4.2 5 में से। उन लोग की जोड़ी अच्छी है दोनों। दिशा पटनी का भी रोल अच्छा है, उनने नेगेटिव रोल मिला मामूली खाली। हाँ बाकी ओवरऑल देखिए पिक्चर मीडियम क्लास की है, पकड़ के नहीं रखती है कि आप बैठे रहो देखते रहो वैसा, लेकिन अब 2 घंटे 13 मिनट की है तो लोग देखेंगे, और बड़ी करने जाते हैं तो नहीं देखते, बोर हो जाते हैं। रोहित रॉय भी है, रोनित रॉय का रोल नहीं है, खाली ऐसे 1 मिनट का है, उनका रोल नहीं, उनको खाली दोनों वैसा ही है। सेकेंड हाफ में ज़्यादा मारपीट है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा लव है। इस फिल्म को मैं हाईएस्ट 2.5 और 3 के बीच में दूंगा। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे योद्धा के लिए? देशभक्ति की मूवी है, और तो क्या है इसमें, कुछ नया तो कुछ भी नहीं है इसमें। सर आदा शर्मा की भी मूवी आने वाली है, तो क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे जाएगी? वो चलेगी। आदा शर्मा की तो आप देखने जा रहे हैं? 100% जाएंगे, देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।